दोस्तों गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको कुछ खाने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसे इस गर्मी के मौसम में आपको जरूर खाना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो और लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हो तो इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल जरूर करना। इन्हें खाने से आप दिन भर हाइड्रेट और एक्टिव भी रहेंगे, तो आप इन गर्मी के मौसम में इन चीज़ों को जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिएगा। सबसे पहला है छाछ। दही के साथ साथ गर्मियों में छाछ यानी मट्ठा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपको बता दें कि छाछ में काफ़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ ही ये शरीर को एक्टिव रखती है। आप इसे खाने के बाद भी ले सकते हैं या फिर खाना खाते हुए इसका सेवन कर सकते हैं। यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करने का काम करती है। अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो दिन भर में 2 गिलास छाछ जरूर पीजिए। छाछ में आपको 2 चीज़ें मिलानी होगी। पहला भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और भुना हुआ अजवाइन पाउडर 1/2 चम्मच और स्वाद अनुसार उसमें आप काला नमक मिला दीजिए। इस तरह का छाछ दोस्तों आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा और डाइजेशन को इम्प्रूव कर आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों तरबूज और खरबूज। तरबूज और खरबूज दोनों ही रसीले फल हैं और ये दोनों ही फल लोगों को बहुत पसंद आते हैं। खरबूजे का 1/4 हिस्सा आपकी दैनिक विटामिन ए और सी की कमी को पूरा करता है और इससे आपके शरीर को सिर्फ 50 कैलोरी मिलता है, यानी कि इसे खाने से आपको मोटापे का डर भी नहीं रहेगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें लाइकोपीन पाया जाता है जो कैंसर को फैलने से रोकता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शरीर से दूर रखता है, तो इस गर्मी के मौसम में आप तरबूज या खरबूज को जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दोस्तों इसके अलावा गर्मी शुरू होते ही हम सभी आम का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, आम लगभग सभी लोगों का फेवरेट होता है। गर्मियों में आम हर किसी को पसंद आता है। ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाने वाला फल माना जाता है। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है और इससे आपका पेट भी ठंडा रहता है और इसे फ्रिज में ठंडा करके खाने से आपको ठंडक का एहसास कराता है। आम खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि खाने से पहले, काटने से पहले आम को लगभग 1/2 से 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। इससे क्या होगा कि कई लोगों को आम खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं, गर्मी हो जाती है तो वो गर्मी नहीं होगी और चेहरे पर दाने नहीं निकलेंगे। आम का सेवन दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग काफ़ी दुबले पतले हैं। वजन बढ़ाने के लिए आम काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके लिए क्या करना है कि आपको आम को दूध के साथ सेवन करना है। रोज़ाना सुबह और शाम यानी सुबह नाश्ते में और शाम को 4 से 5 बजे के बीच एक एक आम जरूर खाएं और आम खाने के बाद 1 गिलास गाय का दूध पी लें। इससे आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगली चीज़ दोस्तों नारियल पानी। अपने आप को ठंडा रखने के लिए नारियल पानी पीना गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फ्लोराइड और पोटेशियम होता है। यह आपको गर्मी से राहत देने के साथ ही आपके पेट को साफ रखता है और आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा खीरा, ककड़ी खा सकते हैं। खीरा गर्मी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इससे आप गर्मी से बचे भी रहते हो, साथ ही खीरे का नियमित रूप से सेवन करने पर यह आपके पेट को भी साफ रखने का काम करता है। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है जिससे चेहरा भी खिला खिला रहता है। खीरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करने का काम करता है। इसके अलावा आप मूली का भी सेवन कर सकते हैं। मूली में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं और लंबे समय तक आपको हाइड्रेट रखते हुए रोगों से बचाते हैं। अगर आपके शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा है तो ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली इसे सलाद में ज़रूर खाना। कच्ची चीज़ों को जितना डाइट में आप शामिल करोगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। अगली चीज़ है दोस्तों सत्तू ड्रिंक। सत्तू ड्रिंक का हर किसी को सेवन करना चाहिए, चाहे आप वजन बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप दुबले पतले हो या फिर आपका शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है। सभी लोगों को सत्तू का सेवन करना चाहिए। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। सत्तू कैसे बनाना है, सत्तू के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। सत्तू दोस्तों देखो इस तरह का दिखता है, ये बेसन जैसा दिखता है कुछ, लेकिन ये बेसन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सत्तू आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप इसे घर पे भी बना सकते हो। दोस्तों इसकी ड्रिंक बनाकर गर्मी के मौसम में जरूर पीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।